विक्रम के निसरपुरा में विक्रम विधायक सिद्धार्थ सिंह ने किया गरीबों के बीच राशन वितरण। नमस्कार, आप देख रहे बी न्यूज 24। मैं हूँ दीपक कुमार। पेश है बिहटा बिहार से वशिष्ठ कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी में संकट के बीच हर लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लोगों को न केवल सहयोग करने की ज़रूरत है बल्कि लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है। यह संकट विषम है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर काम करने की ज़रूरत है। सरकार के हर घोषणा कागज़ पर है। उक्त बातें सोमवार को निसरपुरा गांव में राशन वितरण के दौरान स्थानीय विधायक सिद्धार्थ सिंह ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 साल पूर्व गरीबों का राशन को लेकर शपथ पत्र के साथ आवेदन किया, किंतु 3 साल के प्रतीक्षा के बाद भी अधिकांशतः गरीब को राशन कार्ड नहीं मिला। अनाज मिला? किस तरह का अनाज मिला? किनके द्वारा मिला? विधायक जी के द्वारा। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ये कहने का मतलब है कि राशन मिला है? राशन कार्ड नहीं था, अनाज मिला है? ये अभी एक चीज मैं अपने तरफ से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जितने भी बिहार के नौजवान मजदूर साथी जो बाहर के राज्यों में, सूरत में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में जो लोग आज फंसे हुए हैं, जो आज त्राहिमाम में हैं, भूखमरी की स्थिति में हैं, कम से कम उपयुक्त साधन का व्यवस्था करें और लोगों को अपने मातृभूमि में लाकर पहुंचाने का काम करें। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के नौजवानों का कि एक तो उनको रोजी रोटी के लिए इतना दूर जाना पड़ता है और आज जब भीषण परिस्थिति उत्पन्न है तो ये सरकार, बिहार सरकार आज उनको एक तरह से नेगलेक्ट कर दिया है और उन लोगों को वापस लाया जाए, चाहे इसके लिए जितना भी श्रम, परिश्रम, धन जो भी खर्च हो बिहार सरकार का वो करे और उन नौजवान साथियों को बाहर लाने का काम करे। प्रतिदिन हम लोग, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो प्रतिदिन हम लोग 200 से 250 परिवार को राशन बांटते हैं। आज निसरपुरा से, सरवा से और भसारा, 3 गांव का वितरण आज हम लोग करेंगे और ये सिलसिला लगातार रोज चलते, निरंतर चलते रहता है। एक दिन विक्रम प्रखंड में, एक दिन नौबतपुर प्रखंड में। और क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि अभी लॉकडाउन की जो भीषण परिस्थिति है कोरोना वायरस के कारण, इसमें एक दूसरे की सहायता करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है इस पर भी पूरा पूरा ध्यान रखें और जहां तक बन सके एक दूसरे का सहयोग करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें और कोरोना को हरा के हम लोगों को फिर से वापस पूरे भारत में खुशी की लहर लानी है। सरकार की घोषणा थी दाल देने के लिए, अभी तक दाल गरीबों को? सरकार का हर घोषणा कागज पर है। 3 साल में जिस सरकार को ये लग गया कि 3 साल में अभी तक निर्णय नहीं ले पाया कि किसको राशन कार्ड बनाना है और किसको राशन कार्ड नहीं बनाना है, यही मानसिकता दर्शाता है सरकार का कि गरीब और किसान और मजदूर के प्रति सरकार का क्या मंशा है। 3 साल से एफिडेविट करवा कर आज हर अनुमंडल में लाखों लाख आवेदन पड़ा हुआ है और जिस सरकार को 3 वर्ष लग गया उस आवेदन को यस और नो करने में, वो दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।